नमस्कार मैडम फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों मैं रणवीर सिंह, देखिए मैं आ गया हूँ फिर एक अपडेट लेकर। देखिए अपडेट है आपका समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का जो स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है उस पर पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे। मतलब सीईटी राजस्थान का आपका परीक्षा का स्कीम क्या है और देखिये परीक्षा का विवरण क्या है तो उस पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपके 150 प्रश्न आएंगे जिसमें 300 अंक टोटल है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। देखिए विषय का विवरण आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सभी के अंक समान होंगे और देखिये नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। मतलब इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास होगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, और देखिए भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, और देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट जीके, ये आपका देखिए यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा डीप में ब्रीफ कर दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, देखिए यहाँ पर सबसे 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इतिहास की घटनाएं यहाँ पर रहेंगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता और उनका योगदान क्या है। 1857 की क्रांति आपकी यहाँ पर रहेगी। देखिये यहाँ पर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, ये आपका यहाँ पर रहेगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, इस हेडलाइन से आप समझ सकते हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश हो गए, प्रमुख प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था हो गई, समसामयिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम आपके हो गए। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां हो गई, मेले, त्योहार, लोकगीत, संगीत, लोक नृत्य आपके हो गए, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत आपके हो गए, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत लोक, देवी देवता आपके हो गए, संपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, मतलब संपूर्ण ऐतिहासिक स्थल आपके हो गए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, राजस्थान का एकीकरण आपका हो गया। अब देखिए भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में देखिए आपका भारत स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल का मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र हो गए, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर हो गए, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य आपके हो गए, प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, ये आपकी हो गई। और देखिए प्राचीन खनिज लोहे, अयस्क, मैगजीन, बॉक्साइड एंड अभ्रक आपके हो गए। ऊर्जा संसाधन में देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत आपके साधन हो गए। प्रमुख उद्योग और देखिए औद्योगिक प्रदेश हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक प्रमुख फसल आई थी, यहाँ पर काला गेहूं का भी आप पढ़ना, क्योंकि उसके भी सवाल आएंगे आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि गेहूं शब्द आ गया तो गेहूं के अंदर जो चीजें डिटेल्स में होती है वो आपको पढ़नी चाहिए। राजस्थान का भूगोल, देखिये भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश हो गए, जलवायु हो गई, मानसून तंत्र हो गए, ये राजस्थान के बारे में था, वो भारत के बारे में, झीलें, सागर, बांध, तकनीकी संरक्षण, वनस्पति और देखिए और वन्य जीव अभ्यारण्य आपके हो गए, जीव जंतु आपके हो गए, मृदाएं हो गई, फसलें आपकी यहाँ पर हो गई, जनसंख्या वृद्धि, घरेलू साक्षरता, लिंगानुपात हो गया, प्रमुख जनजातियां तो हो गई आपकी, धार्मिक आध्यात्मिक खनिज आपके यहाँ पर हो गए। अब देखिए परंपरा, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन आपके हो गए, पर्यटन स्थल हो, यातायात के साधन आपके यहाँ पर हो गए, जिसमें देखिये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुमार्ग हो गया। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अब देखिये राजनीतिक व्यवस्था में आप समझ सकते हैं कि राजस्थान से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की, राष्ट्रपति तक की, उस तरह की यहाँ पर आपकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका, मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, राष्ट्र, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी यहाँ पर हो जाएंगे, आपके नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सब यहाँ पर हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका बैंकिंग हो गया, आपके देखिए राजकोषीय मौद्रिक नीतियां हो गई, सब्सिडी, लोक वितरण हो गया, ई कॉमर्स हो गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आपके कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब यहाँ के आपके हो गए। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये भी आपकी हो गई। पंचवर्षीय योजना, नियोजन प्रणाली हो गई। प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल और आर्थिक सुधार के उदारीकरण, ये आपके हो गए। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में चलेंगे तो देखिए यहाँ पर कृषि, फसलें आपकी हो गई, सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, औद्योगिक का विकास, उनका स्थान, और देखिए कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, निर्यात, और देखिये राजस्थानी हस्तकला आपकी यहाँ पर होगी। गरीबी, बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान,
फेलोशिप योजनाएं, समसामयिक न्याय अधिकारिता, ये आपके हो गए समाज का, आप देखिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गई आपकी मनरेगा, और देखिए सहकारी आंदोलन हो गए, लघु उद्योग, वित्तीय संस्थाएं, संविधान 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण विकास की भूमिका आपकी यहाँ पर हो गई। आप देखिए आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपकी यहाँ पर हो गई, सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो गई, रक्षा प्रौद्योगिकी हो गई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपकी हो गई, विद्युत धारा ऊर्जा कार्य ऊर्जा आपका हो गया, आहार पोषण आपके यहाँ पर हो गए। तो देखिए यहाँ पर आपका अम्ला, आपका छार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, प्लास्टर, पेरिस, साबुन, ये सारे आपके यहाँ पर हो गए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गए, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी विज्ञान, पशुपालन आपका हो गया, जंतु एवं पादपों का देखिए आर्थिक महत्व क्या है, जैव विविधता आपकी, पर्यावरण क्या है, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमण असंक्रमण, देखिए पशुजन्य रोग आपके हो गए यहाँ पर, देखिए पोषण आपका, रक्त समूह, आरएच कारक, आहार ये आपके हो गए, विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य ऊर्जा ये सब आपके हो गए। आप देखिए तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता में आपका यहाँ पर देखिए जो ये दिया गया, देखिए आपके ब्लड रिलेशन है, कंडक्टिंग डिकोडिंग है, डायरेक्ट सेंस टेंस है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है, नंबर रैंकिंग है, मेकर जजमेंट है, तो इस तरह की चीजें देखिए आपकी यहाँ पर ताकि उसमें हो गई, और देखिए एवरेज है आपका, प्रॉफिट है, लॉस है, तो ये सारी चीजें आपका वॉल्यूम है, ये सब आपका यहाँ पर इसमें आने वाला है। हिंदी की बात करेंगे तो देखिए संधि विच्छेद आपके हो गए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कारक आपके हो गए, समास भेद, सामाजिक पदों की संरचना, विज्ञान उपग्रह प्रत्यय आपके हो गए, विरोध शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द आपके यहाँ पर हो गए। आपकी देखिए लोकोक्तियां, मुहावरे, राजभाषा पत्र के प्रकार, देखिए ध्वनियों का वर्गीकरण और इस तरह की चीजें, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, ये सब यहाँ पर हो गए। अब देखिए इंग्लिश के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जनरल इंग्लिश आपके हो गए, आर्टिकल आपका यहाँ पर डिटरमाइनर्स हो गया, टेंस आपके हो गए, वॉइस एक्टिव पैसिव हो गए, नरेशन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, यूज ऑफ प्रिपरेशन हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं। कंप्यूटर का ज्ञान आपका यहाँ पर रहेगा, समसामयिक घटनाएं होंगी, और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो देखिए वेबसाइट पर जो सिलेबस है उसको एक बार आप भी पढ़ना जरूर, क्योंकि जब सिलेबस आप बार बार पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्त ये आपका सिलेबस था सीईटी का, राजस्थान सीईटी का समान पात्रता परीक्षा का, संदेश सभी साथियों तक शेयर करें, फिर आते हैं अपडेट के साथ भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।